अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अजीज तुलबा तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रियाजी के अंदर हिंदसी अशकाल के बारे में पढ़ेंगे। पहले बच्चों देखिए, ज्योमेट्रिक शेप्स, सबसे पहले यहाँ पर जो शेप दी गई है यह है स्क्वायर की, इसे उर्दू में कहा जाता है मुरब्बा। हमें पता है कि मुरब्बे के चारों जिले जो होते हैं वो बराबर होते हैं और चार जावे होते हैं, जिस तरह से ये एक जाविया, ये दो, ये तीन और चार। फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे पहले बच्चों रेक्टेंगल, इसे मुस्ततील कहा जाता है। रेक्टेंगल की तारीफ इस तरह से है कि उसके आमने सामने की जो जिले होते हैं वो कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, एक सा पैमाइश के होते। देखिए इसकी पैमाइश और इसकी पैमाइश मसावी है, उसी तरह से इसकी पैमाइश और इसकी पैमाइश मसावी होती है। तो ये है मुस्ततील। इसके भी प्यारे बच्चों चार जिले होते हैं और चार जावे होते हैं, जिस तरह से इसके चार जावे होते हैं, चार जिले होते हैं, चार राशि नुकात होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मुस्ततील के भी उतने ही राशि नुकात होते हैं। आइए इसके बाद हम देखते हैं सर्कल। तो प्यारे बच्चों ये है दायरा, यानी मरकज से मसावी फासले पर खींचे गए सर्कल। यहाँ पर देखिए ये सर्कल है। उसके बाद हम देखेंगे मुसल्लस, इसे कहा जाता है ट्रायंगल। मुसल्लस की खासियत पर यह है कि इसके तीन जिले होते हैं, देखिए एक दो तीन, तीन जिले होते हैं, उसी तरह से तीन राशि नुकात होते हैं, एक दो और तीन। और एक खास बात है कि मुसल्लस तीन जिलों और तीन जावियों से घिरी हुई शक्ल को मुसल्लस कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ये इसकी तारीफ है मुसल्लस की। और मुसल्लस के तीनों जावियों की जो पैमाइश का मजमू होता है वो 180 दर्जे होता है। तो चलिए अब हम देखेंगे मुखम्मस, इसे कहा जाता है पेंटागन। तो मुखम्मस के प्यारे बच्चों पांच जिले होंगे, तो देखिए एक दो तीन चार पांच, तो पांच जिलों से जो शक्ल बनती है उसे कहा जाता है पेंटागन या मुखम्मस। आइए उसके बाद हम देखते हैं मुसद्दस। तो मुसद्दस के अंदर प्यारे बच्चों कुल होते हैं एक दो तीन चार पांच छह, कितने होंगे यहाँ पर जिले, छह। जो छह जिलों से शक्ल बनती है उसे कहा जाता है मुसद्दस, इसे अंग्रेजी में कहते हैं हेक्सागन। आइए इसके बाद हम देखेंगे मोयन को। मोयन के अंदर प्यारे बच्चों देखिए चार जिले होते हैं, एक दो तीन और चार, ये ज़ुर्बतुल इस्ला की एक शाख है, तो देखिए ये यहाँ पर मोयन। आइए इसके बाद हम देखेंगे मखरूद, इसे कौन कहा जाता है, आपके सामने जो ये शक्ल है इसे मखरूद कहा जाता है, तो देखिए ये है मखरूद कौन। उसके बाद इधर देखिए ये है मकब, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है क्यूब। अब देखेंगे प्यारे बच्चों एंगल, जाविया, आपके सामने ये शक्ल है जाविये की। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर एक कायमा जाविया बताया गया है। आमतौर पर जाविये की तीन किस्में हैं, आधा जाविया, कायमा जाविया और मुनफर्जा जाविया। तो एक कायमा जाविया है। उसके बाद हम देखेंगे इस्तिवाना, सिलेंडर, इसे अंग्रेजी जबान में कहा जाता है सिलेंडर, तो ये यहाँ पर है इस्तिवाना। तो प्यारे बच्चों आज हमने देखी यहाँ पर ज्योमेट्रिक शेप्स यानी हिंदसी अशकाल के बारे में यहाँ पर हमने मालूमात हासिल किए और उनकी शक्लें देखी। सबसे पहले देखिए हमने क्या यहाँ पर क्या लिखे कि स्क्वायर, मुरब्बा, रेक्टेंगल, मुस्ततील, सर्कल, दायरा, ट्रायंगल, मुसल्लस, उसके बाद मुखम्मस, पेंटागन, हेक्सागन, मुसद्दस कहा जाता है उसे, उसके बाद एंगल यानी जाविया, मोयन, उसके बाद देखिए यहाँ पर कोण, मखरूद, उसके बाद क्यूब, मकब, इस्तिवाना यानी सिलेंडर। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिक शेप्स यानी हिंदसी अशकाल के बारे में मालूमात हासिल करें। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ तमाम अशकाल प्यारे बच्चों आप अपनी नोटबुक में ज़रूर ड्रॉ कीजिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।